डोमेस्टिक सर्वेंट एम्प्लायर एम्प्लॉय को सर्वेंट देता है, स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट, कोई भी। इसमें तो सिंपल सी बात है, जितना एम्प्लॉयर का खर्चा है वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आया? जितना एम्प्लॉयर स्वीपर गार्डनर को सैलरी दे रहा है वही टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ लिखा है वेयर डोमेस्टिक सर्वेंस इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय द वैल्यू ऑफ सर परक्यूजिट इज अमाउंट ऑफ वेज पेड टू सर। वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, परक्यूजिट की वैल्यू कितनी होगी वही होगी। कंफ्यूजन है तो लिख लो टैक्सेबल होगा। अगला है गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गैस की भी सुविधा देता है। गैस जानते हो ना, सिलेंडर, इलेक्ट्रिसिटी बिजली एंड पानी की सुविधा देता है। तो फ्रॉम ओन सोर्स देता है, ओन सोर्स मतलब जानते हो, एम्प्लॉयर उसका खुद ओनर है, यानी बिजली खुद बनाता है और एम्प्लॉय को दे देता है। फॉर एग्जांपल, हाँ जी, फॉर एग्जांपल एनटीपीसी, वो एनटीपीसी है वो बिजली ही जनरेट करती है और अपने एम्प्लॉय को बिजली फ्री में देती है। तो इस स्थिति में लिखा फ्रॉम ओन सोर्स, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट टैक्सेबल होगा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब जितना एनटीपीसी एक यूनिट बनाने का खर्चा होता है वो टैक्सेबल होगा। लेकिन अदर सोर्स में अगर एम्प्लॉयर बाहर से खरीदता है और फिर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है, समझ में आ गई बात, एम्प्लॉयर खरीद के देता है तो जितना खरीद के देगा, जितनी लागत आएगी वही टैक्सेबल होगी। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री एजुकेशन। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बच्चों को, एम्प्लॉय को नहीं, एम्प्लॉय के बच्चों को यदि एजुकेशन की फैसिलिटी देता है तो ओन सोर्स से देता है। ओन सोर्स मतलब समझ गए, एम्प्लॉयर का खुद का स्कूल है और एम्प्लॉय के बच्चों को देता है, तो हो सकता है फ्री में दे। तो आप उस एरिया में देखेंगे कि उसी तरह के स्कूल का खर्चा कितना है, उसी स्टैंडर्ड का, उसी एरिया में। अगर वो खर्चा 1000 रुपए तक है तो पूरी छूट होगी, 1000 रुपए से ज्यादा है तो जितना होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। कंफ्यूज मत होना बच्चों, क्योंकि ये एजुकेशन, फ्री एजुकेशन है, वो एक और था एजुकेशन अलाउंस, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये फैसिलिटी है, ये परक्यूजिट्स है और वो अलाउंस है। फ्रॉम अदर सोर्स में जितना एम्प्लॉयर का खर्चा होगा वो पूरा टैक्सेबल होगा। अब बच्चों के अंदर कौन आता है, चिल्ड्रन शैल इंक्लूड स्टेप एंड अडॉप्टेड चाइल्ड। तो बच्चे यार हैं ना कुल मिलाके बच्चे ही आएंगे और कौन आएगा। आगे है तीसरी कैटेगरी, टैक्स फ्री परक्यूजिट। ये जो परक्यूजिट्स है किसी को टैक्सेबल नहीं होगी। पहली कैटेगरी थी वो जो सभी को टैक्सेबल होती है, दूसरी थी स्पेसिफाइड को टैक्सेबल होगी, तीसरी किसी को नहीं होगी। पहला है रेजिडेंशियल टेलीफोन, इंक्लूडिंग मोबाइल भी है इसके अंदर, कितना भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे पूरी एग्जेम्प्ट होगी। ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय के ट्रेनिंग में कुछ भी खर्चा होता है। रिक्रेशनल फैसिलिटी, मनोरंजन, परक्यूजिट्स टू एम्प्लॉय ऑफ यूएनओ, यूएनओ के एम्प्लॉय को जो देता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को जो परक्यूजिट्स मिलती है, ध्यान रखेंगे यूएनओ के एम्प्लॉय। और दूसरा इसमें होगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, और थर्ड है जो भारत से बाहर, परक्यूजिट्स प्रोवाइडेड टू बाई इंडियन गवर्नमेंट टू सिटीजन पोस्टेड एब्रोड। तीन लोगों को ना तो कोई अलाउंस टैक्सेबल होती और ना कोई परक्यूजिट्स, ये याद रखने की बात है आप लोगों को। किनको किनको, यूएनओ के एम्प्लॉय को, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, और जो बाहर पोस्टेड है भारत से बाहर। हेल्थ इंश्योरेंस भी है, राइट। और एक है मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटी देता है। मेडिकल फैसिलिटी मतलब इलाज कराने का। तो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल
हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय इनकम टैक्स, हॉस्पिटल ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, तीन जगह देता है तो पूरी की पूरी क्या होगी, छूट होगी। और अन्य हॉस्पिटल में देता है तो 15,000 तक की छूट होगी, इससे ऊपर टैक्स हो जाएगा। लेकिन मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया देता है तो क्या होगा, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पेशेंट एंड वन अटेंडेंट, बोर्डिंग एक्सपेंसेस एंड पेशेंट एंड अटेंडेंट, यानी जाने का खर्चा पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट का, रहने का खर्चा पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट का, पूरी तरह छूट होगी। नीचे लिखा पूरी तरह छूट होगी यदि उसकी टोटल इनकम 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं। ट्रीटमेंट का खर्चा उतना ही छूट होगा जितना आरबीआई परमिट करेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।